Everyone, welcome back to our channel. So we are back again with a new video. Hope so you like it. Please do like, share and subscribe to our channel. चलिए आज हम घर पे केक बनाते हैं। केक कई तरीके से घर पे हम बना सकते हैं। चलिए उसमें से मैं आज आपको एक सिंपल सा केक बनाना दिखा। चलिए आज हम घर पे बच्चों के लिए कोको एंड नट केक बनाते हैं। ये इजीली घर पे बन जाता है। किस साइज का केक बना रहे हैं? साथ में मैंने बटर और चीनी को ग्राइंड करके ले लिया था। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं अपना दही ऐड करूंगी और उसे अच्छे से मिलाऊंगी। इसे अच्छे से इसमें फेटूंगी। लगभग 2 मिनट तक आप ऐसा ही करें। अब मैंने एक छलनी ले ली है, इसमें मैं मैदे को छान लूंगी। बैटर को एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। इसे आप दोनों तरफ को ना मिलाएं, केवल एक डायरेक्शन में। Thank you.
कभी बनेगा। ओवन में रख दूंगी 15 मिनट के लिए, इसे छोड़ दूंगी। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें बटर ऐड करेंगे। हम इसकी टॉपिंग के लिए एक गनाश बनाएंगे। अब बटर मेल्ट हो गया है, इसमें मैं नॉर्मल चॉकलेट ऐड कर दूंगी और मैंने लो भी रखा है। आप इसे लगातार चलाते रहिए और धीरे धीरे हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूंगी। अब मैंने इसमें ब्लैक करंट, काजू और थोड़े बादाम भी ऐड कर लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें और इसे आप इसमें मिला लें। फ्लेम मैंने लो ही रखा है। अब ये इस टेक्सचर में आ गया है। आप इसे ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि अब गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बनने के बाद थिक हो जाएगा। अब मैंने केक को ओवन से निकाल लिया है और इसमें चाकू लगा के चेक किया कि ये कुक हुआ है या नहीं। ये अच्छे से कुक हो गया है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने इसे एक स्टैंड में निकाल लिया है। जो मैंने गनाश बना लिया था
अगर आपके पास जेम्स हैं, आप उसे भी इसमें लगाइए, काफी खूबसूरत केक बन के निकलेगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए अब मेरा केक अच्छे से बन चुका है।